पानीपत के वार्ड नंबर 14 से जिला परिषद उम्मीदवार यशपाल अहलावत को लगातार मिल रहे आशीर्वाद से उनके समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। खुद यशपाल अहलावत किसी मंझे हुए नेता की तरह भाषण देकर वोटर्स के दिल में जगह बना रहे हैं। वो साफ कर रहे हैं कि वार्ड के मतदाताओं ने उन्हें अपना आशीर्वाद देकर ताकत सौंपी तो वो किसी एक का पिछलगु ना होकर सभी के बीच बैठकर फैसले लेंगे ताकि उनकी उम्मीदें परवान चढ़ सके। बुधवार को यशपाल अहलावत ने वार्ड 14 के दो बड़े गांव उगरा खेड़ी और राजा खेड़ी में जाकर एक बार फिर वोट की अपील की। तो आपकी चीज आप सब के बीच में रहोगी और आप दो रह रही है। कोई भी काम है ना मैं किसी पर्सनल घर में बैठ कर करूंगा, जो भी सामूहिक काम होगा ना सामूहिक रूप से इकट्ठे करके सब शांति से वह काम करूंगा। कोई नु सोचा कि यशपाल पलाने का वो है लड़ी कटे का है, देखो सब आदमी वोट दे गए बना हुआ है, तो उनकी सब की सलाह लेकर जो भी काम होने हैं मैं आप सब के बीच में पास होंगे और आप सब के लिए। यशपाल अहलावत को मिल रहे समर्थन और आशीर्वाद से उनके शुभचिंतक और समर्थक गदगद हैं। राजा खेड़ी में उनके एक समर्थक की अपील। हमारे बीच भाई यशपाल जी आए हैं और भाई का बिल्कुल दिल से सहयोग करो भाई, जितना हो सके भाई को जज्बा दो और एक भाई की ऐसी लहर बनाओ कि जिससे भाई बिल्कुल ये लगे भाई हाँ मैं निरोला ही जीत गया हूँ राजाखेड़ी गांव की तरफ से। उधर वार्ड नंबर 3 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रही स्तविंदर कौर का काफिला भी लगातार अपनी मंजिल की ओर निकला हुआ है। रोजाना गांव में डोर टू डोर के दौरान उन्हें समर्थन और वोट का भरोसा मिल रहा है। डोर टू डोर से हमें 36 बिरादरी का बहुत भारी समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से हमारा हर वार्ड में हर मोहल्ले में जा कर के स्वागत हो रहा है, हर 36 बिरादरी कोई ना कोई सब इकट्ठे होके समर्थन दे रहे हैं और आशा है कि ये जो दूसरे कैंडिडेट खड़े हैं सबकी जमानत जब्त होगी। मेरी प्राथमिकता यही होगी कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा और गऊ गरीब और ग्राम की सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य होगा। गलियों का ध्यान भी खास कर रखा जाएगा और गंदगी के जो ढेर लगे हुए हैं इसके लिए सफाई ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी लगाए जाएंगे। आज हम नारा गांव में पहुँचे हैं और हमें इतना समर्थन मिला है कि हमारी झोलियाँ भर दी हैं नारा गांव ने और नारा गांव से हमारा शुरू से ही उरलाना गाँव का बहुत प्रेम प्यार रहा है और हम जितनी हमें आशा थी ना उससे भी ज्यादा प्यार हमें मिला। गौरतलब है कि वार्ड नंबर 3 में सतविंदर कौर के समर्थक मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि सिख समाज जैसे गुरु घर में सेवा और समर्पण दिखाता है, सतविंदर कौर भी जीत के बाद अपने इलाके के लोगों के लिए यही सेवा और समर्पण दिखाएगी, यही उनका वायदा और वचन है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ पानीपत ब्यूरो की रिपोर्ट।